नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो न्यू पीडीएफ आया है, यह हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 505 क्वेश्चन का जो यह पीडीएफ है, इसकी पूरी सीरीज बनाने वाली है और पूरे 505 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर होने वाले हैं, इसमें मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी बुक टिकट फॉर ट्रेन एंड मूवीज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। डैडेश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। To learn to speak in English, which of the following will we need? All of the above. आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एफर्ट, यह सब चीज़ें लगानी होगी। Which of the following is naming word? चेन्नई। चेन्नई कौन सा है? नेमिंग वर्ड है। The dog took Ramesh shoes before it run away. तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। Which of these word can be used to describe tree? तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सब टॉल मैंगो ब्यूटीफुल। रीअरेंज द लेटर टू फाइंड अ किचन एप्लायंस स्टोव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल? इसका सही आंसर यानी सही अर्थ क्या है पोल का? तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, यानी ऑप्शन हमारा सी नंबर का सही है। टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन नॉट बी अप्लाइड? नाउन प्लस इजहार्ड। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फर्नीचर। रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड्स एंड डैडेश फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? स्क्रू ड्राइवर। रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड्स एंड टू स्क्रू ड्राइवर फॉर हिमसेल्फ। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। तो हमें इसमें क्या करना है? एक्शन वर्ड ढूंढना है। माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल, मतलब मेरे पिता पार्सल डिलीवर करते हैं यानी पार्सल पहुँचाती है। तो इसमें एक्शन क्या है? डिलीवर्ड। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइंड द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। द प्लम्बर डैडेश वाटर पाइप्स, द प्लम्बर रिपेयर्स। इसमें एक्शन क्या है? रिपेयरिंग की एक्शन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यूज़ द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। आई डैडेश फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माय फ्रेंड्स। तो फुटबॉल क्या करते हैं? हम फुटबॉल को खेलते हैं। आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माय फ्रेंड्स। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट एक्शन वर्ड। द कप डैडेश व्हेन इट फिल ऑफ द टेबल। द कप ब्रोकन व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल यू दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आई ब्रोकन द चेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड? यहाँ पर क्या पूछा गया है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हॉट यह डिस्क्राइबिंग वर्ड है। फील द
blank with the correct describing word. This is a dadash hammer. This is a cross pin hammer. In the blank with the word is that describe quality. I am a hard working person. यहाँ पर क्या है, describing quality पूछा गया है, तो hard working person. यहाँ पर हमारा option number ये सही हो जाएगा. Fill in the blank with the word that describe quality. The cycle wheel is dadash in shape. यानी cycle का जो पहिया होता है वह कैसे होता है, box type होता है, चेन्नई टाइप होता है या ट्रायंगल टाइप होता है, तो वह गोलाकार टाइप होता है. यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है. फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड. यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट. नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड स्विच ऑफ योर कंप्यूटर. तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, फाइनली switch off your computer. That was my pen. Where is it? मतलब वह कहाँ गया. तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी. Is that Krishna helmet? Yes, it is his. Replace the underlined word with the correct pronoun from the given option. I know Virat Kohli. I know him. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर डी सही है. व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड. ऑल ऑफ द अबव. विच फंक्शन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस विद द करेक्ट फंक्शन. द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट स्क्रू एंड नेल्स. क्वेश्चन नंबर 28. स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल इन गुड कंडीशन. इम्परेटिव. यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है, इम्परेटिव. रीअरेंज द वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन. दोस्तों आपको जो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, इन क्वेश्चन इन शब्दों का यूज़ करके एक आपको क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस. द वर्ल्ड व्हेन डोनेट्स टाइम. व्हेन किसको दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है. रीअरेंज जंबल्ड वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. दोस्तों आपको इन शब्दों का यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो वह सेंटेंस क्या होगा, पीटर वर्कड एज सुपरवाइजर इन भेल. यानी पीटर भेल में सुपरवाइजर का काम करता है. रीअरेंज द वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस. यानी आपको भी उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है. Cut the onion into small pieces. Sentence, please help me finish this, can be used. Make a request. इसमें क्या छुपे है, make request. Formal getting are used when. All of the above. यहाँ पर हमारा option number D सही है. To whom can you say this sentence? Hi, it has been long time since we met. यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, फ्रेंड्स. व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट हेल्प्स अदर टू नो अबाउट मी. तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेक प्लीज. क्वेश्चन नंबर 38. द फ्रेज कुड यू हेल्प टेल मी अबाउट इज यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. यानी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं. व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी. हाउ वॉज क्लास टूडे. इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग. इट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू
get this response. It is 2 kilometer from the railway station. तो इसका सही आंसर क्या है? How far is the ITR from the railway station? Someone says thank you. You should reply and say. अगर आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? You are welcome. Which of these phrase you will use the giving opinion? I think. Which this is from non-verbal communication? Non-verbal communication कौन सा है? Facial expression. तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।